की नई नई शादी हुई है, अभी बेचारा सब शेर बना होगा, ठीक है, आदमखोर शेर। कुछ दिन के बाद जो है ना दोस्तों, आदमखोर शेर का सवारी कौन करता है आपको तो पता ही होगा। तो खैर कोई भी बात नहीं, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे कुमार आनंद ब्लॉग में। दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी टट्टी वाला घर है यहीं पे हूँ। पता है इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि नाश्ता कर रहा हूँ। आप जैसा कि देख सकते हो होटल में हूँ, अभी नाश्ता कर रहा हूँ। लिट्टी है, समोसा है, वही खा रहा हूँ, ठीक है ना। मिस्त्री भी बड़ा टैलेंटेड और कलाकार आदमी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यही है मिस्त्री। मिस्त्री के साथ साथ भाई साहब ये हमारा सब्सक्राइबर भी है, बहुत अच्छा दिल का आदमी है। खाना हो कभी अगर आपको अच्छा लिट्टी खाना हो तो मिर्गन चौक पे आ जाइए, संपर्क कर लीजिएगा। बड़ा बेहतरीन कलाकार आदमी है, बड़ा अच्छा से बनाता है लिट्टी, ठीक है। स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा दोस्तों, इतना बढ़िया स्वाद आएगा कि हाथ चबा के खा जाइएगा। खैर हाथ मत चबाइएगा दोस्तों, लिट्टी को चबा लीजिएगा, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हम भी अपना मजा लूट रहे हैं, ठीक है, आप भी मजा लूटिए देख देख करके। तो मिलते हैं आगे, और नए हैं चैनल पे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्वागत आपका हमारे कुमार आनंद ब्लॉग में। दोस्तों पूर्ण विश्वास है कि आप अपने निजी जिंदगी में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज नई सुबह फिर से आपके साथ नए ब्लॉग के साथ आया हूँ, ठीक है ना। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो आजकल खूब शादियां हो रही है, पहले तो जिसकी शादी हो गई है उसको बहुत मुबारक, और जिसकी नहीं हुई है आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कभी न कभी नंबर लगिए ना जाएगा जी। तो कुल मिला के बात यही है, बात ही नहीं है दोस्तों, टेंशन तो उसको न होगा जिसकी नई नई शादी हुई है, अभी बेचारा सब शेर बना होगा, ठीक है, आदमखोर शेर। कुछ दिन के बाद जो है ना दोस्तों, आदमखोर शेर का सवारी कौन करता है आपको तो पता ही होगा। तो खैर कोई भी बात नहीं, तो कुल मिला के बात यही है। तो होता क्या है दोस्तों, सवारी का शेर का सवारी तो कौन करता आपको तो पता चल ही गया होगा, और नहीं चला होगा तो पता कर लीजिएगा। ऐसे हमको पता है कि आपका दिमाग चल ही गया। खैर कोई बात नहीं, यही सब बात है। और रही बात तुम्हारे लोगों की ज़िंदगी का, तो उसको भी बेस्ट ऑफ लक मिलिए जाएगा, प्रयासरत रहिए, अपने बारी का इंतज़ार करिए, ठीक है। तो दोस्तों आजकल की शादी में कुमारे लोगों का बड़ा ही अनमोल कहानी होता है। कहानी ये होता है कि बराती में बड़ा सज धज के आता है, सज धज के आने के बाद जो है ना महिलाओं को बहुत ज़्यादा तारता है। तारना समझते हैं ना जी, तारना मतलब ये होता है अपना बारी को खोजते रहता है महिला मित्र के रूप में। तो यही सब है, अपना महिला मित्र जब मिल जाता है तब तो समझिए कि बड़का ट्रॉफिए मिल गया, और नहीं मिलता है बेचारा तो फोटोए सोटो खींच के रह जाता है, और मौका मिलता तो एक आध को वीडियो बना लेता है, देखिए देख के रह जाता है। तो यही सब बात है। तो शादी जो है ना दोस्तों आजकल जम के हो रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा लोग जो है ना दोस्तों उस कल्पना में चल जाता है कि अभी जो लड़का दूल्हा है वहाँ हम होंगे, और यहाँ जो दुल्हन है इसके जगह पे हमारी लुगाई होगी, इतना कल्पना में डूब जाता है। खैर कोई बात नहीं, कल्पना में तो ऐसे डूबा जाता है, और डूबने के साथ साथ जो है ना दोस्तों डीजे वाला भैया का नंबर भी ले लेता है, दिमाग में ले लेता है, इसलिए क्योंकि उसको ये आता है कि जो अब जो है ना सो हमारा बारी होगा ना तो फलाना डीजे को ले जाएंगे, उसका बेस बड़ा मजबूत है, डांस बड़ा ज़बरदस्त होगा, लहरिया लूटा जाएगा। तो यही सब बात है। तो कल्पना होते रहता है, कल्पना करके बेचारा सब अपना दिन काटते रहता है। तो कल्पना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल्पना करने में कोनो हर्ज थोड़े है दोस्तों। कल्पना तो अपने माइंड के ऊपर ना है जी, अब माइंड में कल्पना होता है, कल्पना करके रह जाइए, नंबर आएगा तब ना काम होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं ना
तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि जो कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को तो दबाइए दीजिएगा दोस्त।